हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर सबॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार से, और ये रहा आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट नंबर 5th, जहां पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 to 50। ओके, तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 41 पे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन एंजाइम विच इंड्यूसेस अ निक, निक को हम कट भी कहते हैं, ऑन ओनली वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड ड्यूरिंग रिप्लिकेशन एंड डज नॉट रिक्वायर एटीपी टू वर्क इज। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब होता है कि जिस चीज से हम किसी एंजाइम को जानते हैं, ठीक, उसका एकदम से पिक्लियर फीचर हो, ठीक, इंपॉर्टेंट फीचर हो, जिस जो जो चीजें उसको दूसरे एंजाइम से अलग बनाती हैं। तो कह रहा है एक एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि वो डीएनए को जो डबल स्ट्रैंड है उसमें केवल एक स्ट्रैंड को कट करता है और उसको एटीपी की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा एंजाइम है, तो जब डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, आपको पता है जो डीएनए हेलिक्स होता है वो अनवाइंड होता है, तो अनवाइंड के होने के साथ साथ जैसे कोई चीज़ है अगर वाइंड है उसको आप अनवाइंड करेंगे, तो अनवाइंड होने के साथ साथ उसमें सुपर कॉइलिंग बढ़ता हुआ जाता है, ठीक है। आप किसी चीज़ को ओपन करेंगे तो जो हेलिक्स है उसके पीछे का जो हेलिकल फॉर्म है वो और ज़्यादा जो है कसता चला जाता है। तब ऐसे में क्या करता है, ये जो आपका सुपर कॉइलिंग बोलिए, ये जो आपका कॉइलिंग उधर बढ़ता जाता है, इसको रिलीज करने के लिए आपको एंजाइम की जरूरत पड़ती है। सेम चीज होता है डीएनए के रिप्लिकेशन में। डीएनए के रिप्लिकेशन में दो टाइप के एंजाइम होते हैं जो डीएनए स्ट्रैंड को कट करते हैं। दोनों नाम तो उसका एक ही है, डीएनए टोपो आइसोमरेज उसको बोलते हैं, पर दो टाइप का एक होता है, एक ये टाइप 1 और टाइप 2, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, ठीक। और आप देखेंगे जो डीएनए टाइपो डीएनए टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट है, वो एक ही डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड में कट करता है वो जो कॉइलिंग है उसको रिलीज करने के लिए, और जो डीएनए टोपो आइसोमेरेज सेकेंड है वो दोनों स्ट्रैंड को कट करता है कॉइलिंग को रिलीज करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो डीएनए टोपो आइसोमेरेज टाइप फर्स्ट है, ठीक है। बाकी आपका डीएनए लाइगेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, आपको इसका फंक्शन पता होगा डीएनए लाइगेज का। दिस इज द गैप बिटवीन द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स टू क्रिएट वन कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। रिप्लिकेशन के टाइम पे आपको पता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनते हैं, तो वो उसको क्या करता है, ज्वाइन करता है। डीएनए पॉलीमरेज की बात कर ले तो पॉलीमरेज आपको पता है यही आपका तीन टाइप का होता है, पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड वन इज द मेन रिप्लिकेटिंग एंजाइम, और ये क्या करता है, कैटलाइज करता है डीएनए सिंथेसिस का यूजिंग न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। ओके, जो मॉलिक्यूलर प्रिकर्सर्स होते हैं डीएनए के, तो टोपो आइसोमरेज ये दोनों तो आपको पता ही होगा, टोपो आइसोमरेज के बीच में डिफरेंस आप जान लीजिए। टाइप फर्स्ट केवल दो स्टैंड में से एक स्टैंड को कट करता है, और ये सिंगल स्टैंड ब्रेक जनरेट करता है, ये यूकेरियोट में होता है और यूकेरियोट में ही होता है, और इसको एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं टोपो आइसोमरेज फर्स्ट की बात कर लें, आप ऐसा समझिए जो टाइप जो एक स्टैंड में कट करता है उसको एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, जब दो स्टैंड को कट करेगा आप ऐसा समझ लीजिए कि उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए दो स्टैंड को कट करने के, तो आपको ऐसे याद रहेगा। तो यहाँ पे एटीपी का रिक्वायर होता है, और ये दोनों प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में दोनों होते हैं, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट सिंथेसाइज इन, कह रहा है ओकाजाकी जो फ्रैगमेंट होते हैं ये इनका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में सिंथेसिस होता है। देखिए, हमेशा जो सिंथेसिस होता है वो 5 प्राइम डीएनए पॉलीमरेज से वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए, डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा जो डीएनए का सिंथेसिस होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होगा। तो यहां से आप पिक कर लीजिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब यहां से आपसे पूछा है जो कि ये लीडिंग स्ट्रैंड पे होगा तो या लैगिंग स्ट्रैंड पे, तो आपको पता है लीडिंग स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस डीएनए बनता है और लैगिंग स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस, और डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंट्स को ही हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, सी, 5 प्राइम डायरेक्शन इन अ लैगिंग स्ट्रैंड। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। पूछा है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डुप्लेक्स विच एक्ट एज टेम्पलेट इज आल्सो नेम्ड एज। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के इससे बहुत
क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंस स्टैंड, कोडिंग स्टैंड, एंटी सेंस स्टैंड, पॉजिटिव स्टैंड, नेगेटिव स्टैंड, तो सारे मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर देता हूँ जिससे आप वो आराम से देख लेंगे क्या है इसका मीनिंग क्या है। कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे डीएनए डुप्लेक्स का जो स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरीके से बिहेव करता है उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, टेम्पलेट का मतलब जिसका हमें जो जिसको हम कॉपी बनाने के लिए यूज करेंगे, ठीक। तो डीएनए का ऐसे है डबल हेलिक्स, तो अगर मान लीजिए ये टेम्पलेट है, दैट मीन्स उसका हम यूज करेंगे डीएनए का कॉपी बनाने के लिए। मतलब जो नया वाला कॉपी बनेगा, ये नीचे वाला टेम्पलेट को छोड़ के जो नीचे वाला है आपका स्ट्रैंड, इसके समान ही बनेगा, तो ये टेम्पलेट की तरीके से काम करेगा, ठीक। तो टेम्पलेट को हम एंटीसेंस बोलते हैं, मतलब वो जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा इसका, वो केवल टेम्पलेट की तरीके से काम करेगा, उसको हम एंटीसेंस स्ट्रैंड इसीलिए बोलते हैं। तो एंटीसेंस स्ट्रैंड होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनए होता है मान लीजिए ए टी जी ए टी सी टी सी जी टी ए सीक्वेंस है ऊपर वाले में, नीचे टी ए सी टी ए जी ए जी सी ए टी टी ए सीक्वेंस है नीचे वाले में। तब ये जो ऊपर वाला है मान लो आपका डीएनए पॉलीमरेज, इसको टेम्पलेट की तरीके से काम करता है और इसको ये तो चला गया पीछे, ये नीचे वाले की बात है, टी ए सी टी जी ए जी सी ए टी टी, ये मान लीजिए आपका डीएनए स्ट्रैंड है एक पे, और जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है जो न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है इसी पे लगा रहा है, ठीक। तो ये क्या करेगा आपका, ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है ये आपका टेम्पलेट की तरीके से काम करेगा, और जो आपका ये वाला जो ब्लू में है आपका ये वाला जो बन रहा है ये आप एग्जैक्ट देखेंगे ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है उसका एग्जैक्ट वही बनेगा। देखिए ए ए क्योंकि ये आर एन ए है तो टी के जगह पे यू होगा, जी जी ए ए टी के जगह यू होगा, सी सी यू। तो ये जो नया बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे स्ट्रैंड, ये एग्जैक्टली ऊपर वाले के जैसा ही होगा, इसीलिए तो ऊपर वाले के जैसा बन रहा है इसीलिए जो ऊपर वाला है इसको हम हमेशा प्लस स्ट्रैंड या पॉजिटिव स्ट्रैंड बोलेंगे, इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, नॉन टेम्पलेट। देखिए ये टेम्पलेट की तरीके से काम कर रहा है तो ये टेम्पलेट, तो ऊपर वाला नॉन टेम्पलेट। ये जो नया बन रहा है आपका मैसेंजर आरएनए जो इस पे बनेगा वो ऊपर की तरीके का सेंस रखेगा, इसीलिए इसको सेंस बोलते हैं, नीचे वाले को एंटी सेंस बोलते हैं। अब यही कोड करता है ना, इसी का एग्जैक्ट बन रहा है तो इसीलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं और इसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। अब इसको प्लस बोलेंगे ऐसे, इसको नेगेटिव बोलेंगे या माइनस बोलेंगे, ठीक है। इसी के बाद इसका ट्रांसलेशन होता है। तो क्लियर आपका। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, प्रोसेस बाय विच डीएनए गिव्स राइज आरएनए इज कॉल्ड। कह रहा है वो कौन सा प्रोसेस है जिससे डीएनए जो होता है आरएनए बनाता है, ट्रांसक्शन, पॉलीमराइजेशन, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। तो आपको पता है ट्रांसडक्शन जो है ये कहाँ पे होता है, बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरिया का जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो बैक्टीरिया के ऊपर जब वायरस जो है अटैक करता है बैक्टीरियोफाज, तो वहां पे जो कभी कभी वो बैक्टीरिया के सीक्वेंसेस लेके चला जाता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे, तो उससे उसका ट्रांसडक्शन होता है, ठीक। लिटिक साइकिल और लाइसोजेनी वहां पे आप पढ़ा होगा। पॉलीमराइजेशन क्या है, पॉलीमराइजेशन की अगर हम बात करें तो केवल एक प्रोसेस है जहां पे स्मॉल मॉलिक्यूल जिसको मोनोमर्स बोलते हैं कंबाइन होते हैं केमिकली टू प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज चेन लाइक और नेटवर्क लाइक मॉलिक्यूल जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन क्या है तो आप बोलते हैं प्रोटीन एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है, मींस बहुत सारे जो आपके बॉडी में 20 टाइप के एमिनो एसिड पाए जाते हैं उनका अलग अलग रेशियो में कंबाइन करके हम प्रोटीन बनाते हैं हमारे सेल्स, ठीक है। ऐसे ही हमारे बॉडी में ए टी जी सी वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका यूज करके डीएनए बनता है, आरएनए बनता है। तो ये सब प्रोसेस क्या है, पॉलीमराइजेशन है। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात कर लें, जैसे ग्लूकोज के पॉलीमर है, यूनिट क्या होगा आपका, ग्लूकोज होता होगा और ग्लूकोज के मल्टीपल यूनिट से बन के आपका जो सेलुलोज होता है या जो भी जितने भी टाइप के आपके पॉलीसैकेराइड्स हैं वो बनते हैं। ट्रांसलेशन की अगर हम बात कर लें तो ट्रांसलेशन क्या है, मैंने आपको बोला पहले होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, और फिर ट्रांसक्रिप्शन से प्रोटीन सिंथेसिस होना आपका ट्रांसलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे डीएनए से आरएनए बनना मतलब डीएनए जब मैसेंजर आरएनए बनाता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, पूछा है जो प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए होता है उसका फीचर क्या है, इनमें से पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक, ऑलिगोसिस्ट्रॉनिक और नन ऑफ दीज। तो देखिए यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है मैसेंजर आरएनए में,
प्रोकैरियोटिक जो आप कह लीजिए डीएनए होता है, आपने यूकैरियोट में पढ़ा होगा, बहुत सारे जो डीएनए का पार्ट होता है वो नॉन कोडिंग होता है, जिसको हम यूजुअली पहले जंक डीएनए बोला जाता था। कुछ ही हिस्सा हमारे जीनोम का, हमारे डीएनए का, वो कोडिंग वाला होता है, वही जो है एंजाइम्स वगैरह प्रोटीन्स वगैरह हमारे डीएनए से बनाते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए होता है उसमें एक फीचर क्या है, जैसे आपने लैक ऑपेरॉन पढ़ा होगा, वहां पे जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ये जो सारे जीन्स हैं ये एक साथ जो है उनका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है और एक साथ ट्रांसलेशन होता है, फिर वो अलग अलग प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो मैसेंजर आरएनए होता है प्रोकैरियोटिक, उसका यही फीचर होता है कि उसको वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। सिस्ट्रॉन की से, इसमें जो सिस्ट्रॉनिक शब्द जुड़ा है ये सिस्ट्रॉन से है। सिस्ट्रॉन किसे बोलते हैं, डीएनए के किसी भी सेक्शन का, डीएनए आरएनए का मॉलिक्यूल जो एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड या एंजाइम बनाए उसको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। और जो डिफरेंस है मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक में ये है कि मोनोसिस्ट्रॉनिक यूजली यूकैरियोट में पाया जाता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक मेनली प्रोकैरियोट में पाया जाता है। और मोनोसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए केवल एक प्रोटीन बनाता है, वहीं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो आपका मैसेंजर आरएनए है ये बहुत सारे प्रोटीन बनाते हैं, और ये फीचर है प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। पूछा है आपसे डीएनए मेथिलेशन जो होता है जीन्स का, ये ट्रांसक्रिप्शन का इनहिबिट करता है। मतलब अगर देखिए हमारे बॉडी में डीएनए तो है लेकिन उसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स भी हैं, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता रहता है, पर हमेशा हर जीन्स का नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई एग है, एक से आप मान लीजिए किसी फ्रॉग का मान लीजिए एग है, तो जब वो जाइगोटिक स्टेज में रहेगा उसमें डिफरेंट काइंड्स के जीन जो है एक्टिव रहेंगे, और फिर धीरे धीरे वो उसमें डिविजन्स होता है कि आपका ब्लास्टुला ग्रास्टुला स्टेज आता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। तो एक ही टाइप के जीन हमेशा एक्टिव नहीं रहते, कुछ जीन्स होते हैं एम्ब्रियोनिक जीन्स, वो एम्ब्रियो के टाइम पे ही एक्टिव रहेंगे, और जैसे जैसे वो एडल्ट होता जाएगा उसमें अदर टाइप के जीन एक्टिव रहेंगे। अगर हम मैं प्लांट से आपको एग्जाम्पल दूं तो प्लांट में जैसे आप देखते होंगे कोई प्लांट आपने लगाया, 1-2 साल तक वो वेजिटेटिव कंडीशन में रहेगा, उसमें फ्लावरिंग नहीं आता, तो उस समय पे अलग जीन उसमें उसके सेल्स में एक्टिवेट रहते हैं। और जब वो फ्लावरिंग पीरियड में आता है, क्योंकि उसको फ्लावर बनाना है, स्टेमेन बनाना है, कार्पल बनाना है, ओव्यूल्स बनाना है, सारी चीजें बनानी है, पॉलन ग्रेन्स बनाने हैं, तो ये सब बनने के लिए सेम जीन्स ही नहीं एक्टिव होते, अलग जीन एक्टिव होंगे जो इन सारे स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो उस समय पे जो जीन इनएक्टिव रहते हैं उसका क्या प्रोसेस होता है, उससे भी कई सारे प्रोसेस होंगे जिससे हमारा सेल बहुत सारे जीन को इनएक्टिव करके रखता होगा। तो उनमें से एक है डीएनए मिथाइलेशन, मतलब जो आपके बेसिस होते हैं उसमें मिथिल ग्रुप का एडिशन होता है सेल्स के द्वारा, जिससे वो जीन इनएक्टिव रहते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है कि डीएनए मिथाइलेशन में एक्चुअल क्या होता है, कि ब्लॉक करता है ये डीएनए मिथाइलेशन बेस पेयरिंग बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन, ब्लॉक करता है ये यूरेसिल और एडेनिन के बीच में, या ये टाटा सीक्वेंस को ब्लॉक करता है, या ये जीन को परमानेंटली ब्लॉक कर देता है। तो सबसे पहली बात ये है, डीएनए मेथाइलेशन से ये जो इसमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला कि जो इसका एक्सप्लेन कर सके कि डीएनए मेथाइलेशन से ये चीजें होती है। ठीक है, कि साइटोसिन और ग्वानिन का उनके बीच में बेस पेयरिंग नहीं होगा, ये नहीं होगा। जो एक्चुअल है कि मैमेलियन जीनोम में जब डीएनए मिथाइलेशन होता है ये एक इपिजेनेटिक मैकेनिज्म है, जहां पे जो मेथिल ग्रुप है वो ट्रांसफर किया जाता है C5 जो पोजीशन होता है साइटोजीन का उस पे, जिससे साइटोजीन आपका 5-मिथिल साइटोजीन बन जाता है। अब डीएनए मिथाइलेशन रेगुलेट करता है जो जीन एक्सप्रेशन को, वो कैसे रेगुलेट करता है कि जब वहां पे मेथिल ग्रुप लग जाएगा तो जो प्रोटीन्स आपका जीन एक्सप्रेशन के लिए आती हैं वहां पे लगती हैं, वो जो आपके प्रोटीन्स हैं एंजाइम्स हैं वो उस जगह पे सेट नहीं हो पाते, वहां वहां पे फिट नहीं होंगे, रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे उस बाइंडिंग साइट को, और इससे आपका ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। पर यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से इसका कोई भी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अगर आपको इसका आंसर कहीं पे मिलता है जहां पे डिस्कस किया हो कोई सोर्स, तो जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा सोर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। आपसे पूछा है यहाँ पे इसमें से कौन सा एंजाइम है जो 5SRRNA को कोड करता है। देखिए, जो आपका राइबोसोम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का मशीनरी हम जिसको बोलते हैं, वहां पे लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट होता है, और जो आपका वो जिस पॉलीसिस्ट्रॉनिक है
एक वहाँ पे आपका 18S, 5.8S और 28S जो टाइप का होता है, लार्ज आरआर इन्हें बोला जाता है, वो ये होते हैं, ये एक साथ प्रोड्यूस होते हैं। वहीं स्मॉल आरएनए 5S आरएनए है जिसके लिए दूसरा एंजाइम यूज होता है। तो यही पूछा, ये किससे होता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ? इसका करेक्ट ऑप्शन है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आप देखेंगे सारे यूकैरियोट्स में कितने टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इनका काम क्या है? फर्स्ट सभी यूकैरियोट में, ये तीन तक सारे यूकैरियोट में पाए जाते हैं और फोर्थ और फिफ्थ केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का क्या फंक्शन है? लार्ज आरएनए जो होता है लार्ज सब यूनिट में, वो ये कोड करते हैं 18S, 5.8S, 28S। और ये सेकंड की बात कर लें तो प्री मैसेंजर आरएनए, कुछ SNRNA, SNORNA, कुछ MIRNA को कोड करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये 5S को कोड करता है, tRNA को कोड करता है, कुछ SNRNA को कोड करता है और कुछ MIRNA को कोड करता है। वहीं अगर फोर्थ और फिफ्थ की बात कर लें, फोर्थ वाला कुछ siRNA को कोड करता है और फिफ्थ वाला आरएनए मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन हेट्रोक्रोमेटिन, जो हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्मेशन में जो आरएनए पार्ट लेते हैं ये उसको कोड करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, ध्यान दीजिए, डीएनए पॉलीमरेज नहीं है, आरएनए पॉलीमरेज है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस द सेक्शन ऑफ द जीन कोडिंग फॉर अनयूज्ड पीसेस ऑफ आरएनए। कह रहा है इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं, इंट्रॉन, सिस्ट्रॉन, एक्सॉन, ट्रांसपोजॉन, इसमें से कौन सा है जो डिफाइन करता है कि वो, मतलब इनमें से कौन सा है जो कोई सेक्शन है ऑफ द जीन कोडिंग, जीन कोडिंग का कोई सेक्शन है जो कि अनयूज्ड पीसेस के रूप में जाना जाता है आरएनए का। तो आपको पता है, आपने स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वहां पे एग्जॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं। जो एग्जॉन होते हैं वो अल्टीमेटली उनको एक आपस में चिपका के मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है, मैच्योर मैसेंजर आरएनए, उससे स्प्लाइसिंग के दौरान आपका इंट्रॉन निकल जाता है। तो ये इंट्रॉन ही आपका अनयूज्ड पीसेस हैं। सिस्ट्रॉन की बात कर लें तो मैंने आपसे बोला था कि डीएनए आरएनए के वो सेक्शन होते हैं जो कोड करते हैं किसी स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड का, एक्सॉन तो आपको पता ही है, ट्रांसपोजॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसपोजॉन्स मैंने आपसे बताया था ये जंपिंग जीन्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, पूछा है आपसे इन स्प्लिट जीन्स द कोडिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड, स्प्लिट जीन्स में कोडिंग सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? तो मैंने आपसे वही बोला कि जो जीन होता है कोड करता है, इनिशियल उसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होते हैं, तो उसमें से जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं वो एग्जॉन कहलाते हैं और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंट्रॉन कहलाते हैं। सिस्ट्रॉन तो मैंने आपसे बताया, ओपेरॉन क्या होता है, जिसे लैग ओपेरॉन है उसको हम ओपेरॉन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, व्हेन अ यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए आइसोलेटेड एंड देन हाइब्रिडाइज्ड विद द डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम वेयर इट हैज बीन ट्रांसक्राइब्ड, इट डज नॉट पेयर यूनिफॉर्मली एंड शोज सेवरल लूप्स, दीज लूप्स रिप्रेजेंट द, कह रहा है अगर आप किसी यूकैरियोट का मैच्योर मैसेंजर आरएनए लेते हैं और उसको फिर हाइब्रिडाइज कराते हैं ओरिजिनल डीएनए से, जहां से जिसे डीएनए है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद इंट्रॉन न्यूट्रॉन का आपका स्प्लाइसिंग होगा, मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है। अब आप उस मैसेंजर आरएनए को जब आपका जो ओरिजिनल डीएनए जहां से प्रोड्यूस करेगा उससे आप हाइब्रिडाइज कराएंगे तो आपको ऐसा लूप दिखेगा। ठीक है, अब ऐसा लूप क्यों दिखता है? देखिए ये आपका हो गया क्या, मैसेंजर आरएनए नीचे वाला, ये देखिए पहला क्या हो गया, पहले मान लीजिए आपका मेन डीएनए हो गया, इससे बना आपका दूसरा हेट्रोन्यूक्लियर मैसेंजर आरएनए, एचएनआरएनए क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होंगे। उसके बाद ये मान लीजिए इंट्रॉन है रेड वाला, तो इसको निकाल दिया जाएगा, ये बनेगा एक्सॉन। अब आप तीसरे को नीचे रखेंगे, फिर दूसरे को या पहले को, यहाँ पे पहला होना चाहिए था, पहले को आप जब ऊपर रखेंगे, पहले से हाइब्रिडाइज कराना है मेन सीक्वेंस से, तो आप देखेंगे वहां पे कुछ तो सीक्वेंस इससे वो करेंगे और कुछ यहाँ पे लूप बना लेंगे। तो ये लूप क्या सोर्स करते हैं? ये लूप एक्चुअली यहाँ पे था इंट्रॉन, इसको स्प्लाइस कर दिया गया, तो ये जो पार्ट है जहां पे इंट्रॉन था वो तो इससे वो करेगा नहीं, पर इसके बगल वाला, इसके क्योंकि ये जुड़ा है तो जस्ट इसी के बगल आके चिपका हुआ है मैसेंजर आरएनए में, इसमें तो ये जो इंट्रॉन वाला पार्ट रहता है ये लूप बनाते हैं। तो यही है कि यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए को आप आइसोलेट करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे डीएनए से जहां से वो ट्रांसक्राइब हुआ था, तो वहां पे पेयर नहीं करेगा यूनिफॉर्मली और लूप्स बनेंगे। ये लूप जो होता है ये शो करते हैं कि ये इंट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये था आपका, ये पार्ट भी यहाँ पे खत्म हुआ।
नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं अगले क्वेश्चंस की जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो बात करेंगे हम, ठीक है। होप कि सारा आप चीज़ें आपको यूजफुल लग रहा होगा, जहाँ पे आपको ना समझ में आए कोई चीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ पता हो आप सोर्सेज दे सकते हैं कमेंट करके। ओके, तो देखते रहिए आपका अपना चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।